Hey guys, a very good morning from Nirjuli, Itanagar, Naholukun. And today I'm here to host the Republic Day of Power Grid. बहुत ही जल्दी इवेंट शुरू होने वाला है क्योंकि अभी फ्लैग होस्टिंग के साथ शुरू होगा एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 74th रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज बाय पावर ग्रिड. सो आप देख सकते हो पीछे बहुत सारे लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जो चीफ गेस्ट थे वो अभी भी आना बाकी है. उनके आने के बाद ही फ्लैग होस्टिंग के साथ आज का इवेंट शुरू किया जाएगा. तो चलो वीडियो पे बनते रहो. As we know, India has become independence with the sacrifices of so many brave freedom fighters in 1947, 15 August. Since then, India has been growing very drastically, remarkably as a nation. गाइस, फॉर्मल इवेंट तो खत्म हो गया, फ्लैग होस्टिंग हो गया, स्पीच वगैरह फेलिसिटेशन पार्ट इज डन एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट. अभी पेट पूजन करेंगे, बहुत भूख लगी यार सुबह से 7 बजे से, मतलब रेडी मेकअप वेकअप लगा के रेडी हूँ. तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, तो चलो दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है. सो गाइज, माई ब्रेकफास्ट इज डन. ब्रेकफास्ट में केले थे, बनाना, संतरा, ऑरेंज. देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता हिंदी में मतलब एग्जैक्ट टर्म क्या होता है, तो आई एम ट्राइंग. सो ब्रेकफास्ट इज डन. तो अभी वॉलीबॉल कंपटीशन का ओपनिंग होगा, तो चलो वॉलीबॉल कंपटीशन दिखाते हैं आप सभी को. यू कैन सी वॉलीबॉल कंपटीशन का ओपनिंग होने जा रहा है. अभी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर ओपनिंग करेंगे. वाओ, देख सकते हो गाइस, यू कैन सी द वॉलीबॉल कंपटीशन इज गोइंग ऑन बिटवीन टीम एएमसी एंड द सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ पावर ग्रिड. And then I'm doing commentary of this game, but I don't know the rules overall. Wow, superb. Here the ball. Oh, so guys, you can see this is the campus of Power Grid Nirjuli. ये बता रही हूँ आप सभी को, ये पावर ग्रिड निर्जुली, मतलब पावर ग्रिड एक ये देख रहे हो ना, ये टावर, टॉलेस्ट टावर ये लोग इंस्टॉल करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पावर ग्रिड. तो देख सकते हो कितने बड़े कैंपस है ना. तो चलो मैं दिखाती हूँ. मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर सर के क्वार्टर में रुकी हुई हूँ, तो चलो उनका क्वार्टर दिखाते हैं. अभी ये सब टावर्स देख सकते हो, ये सब इंस्टॉल करते हैं ये लोग ऑल ओवर इंडिया में.
हमारे डेप्यूटी जनरल मैनेजर सर का क्वार्टर है, तो मैं इसी क्वार्टर में रुकी हुई हूँ। तो लॉक तो ऑन ही रखता है सर। एंड कैन सी दिस इज़ द क्वार्टर, सर का क्वार्टर पे ही मैं रुकी हुई हूँ। कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा एकदम। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वार्टर है, साफ़ सुथरा तो रहेगा ही। एंड दिस इज़ माय रूम, देख ही सकते हो मेरा रूम का हालत, देखो एक बार। सर लाइट्स ऑन कर देती हूँ, इग्नोर माय रूम यार, ये मेरा रूम, इसी रूम पे मैं हूँ, ये क्वार्टर है। एंड गाइज दिस प्लेस इज सराउंडेड बाई नेचर, ट्रीज, माउंटेन्स, देख सकते हो पूरा एरिया हिल्स से कवर किया है, कवर है मतलब, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईटानगर एक हिल स्टेशन ही है। ईटानगर थोड़ा डाउन पे पड़ता है, लेकिन ये निर्जुली का जो पावर ग्रिड का ये कैंपस है, एक सराउंडेड बाई नेचर माउंटेन्स, देख सकते हो आप पीछे कितने सारे ट्रीज है बड़े बड़े। ओवरऑल शांति मतलब बहुत है यहाँ पे, ज़्यादा हंगामा वंगामा नहीं है यहाँ पे। इट्स टाइम फॉर दी टग ऑफ वॉर, जो रस्सी खींचना गेम बोलता कहा जाता है, इनास मिस रोसीताना कंपटीशन। सो होबो बिटवीन एएमसी एंड सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ पावर ग्रिड, यू कैन सी दे आर गेटिंग रेडी नाउ, दे आर टेकिंग देयर पोजिशंस। दिस गेम इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर। वाओ, हाँ क्या हो गया ये, ओह माय गॉड, अरे किसने जोर लगा दिया ज्यादा, ओ भाई साहब क्या था ये, व्हाट इज इट, क्या था अरे रस्सी बीच में छूट गई यार कोई ना कोई ना कोई ना, रस्सी टूट गई है, कोई बात नहीं। एएमसी वालों का जोर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। सो बोथ द टीम एएमसी एंड सिक्योरिटी पर्सनल, आर यू रेडी फॉर द टग ऑफ वॉर, यस और नो, कम ऑन से समथिंग। ओहो, ओह माय गॉड, लेट्स चेक इट आउट, किसमें कितना है दम। ओह माय गॉड, टीम एएमसी, कम ऑन कम ऑन, टीम सिक्योरिटी पर्सनल गोइंग हार्ड, ओह माय गॉड। Anyway, who is the winning team here? Who is the winning team? AMC. Best of three. Okay, best of three. We are playing for the best of three. Team AMC ने तो धमाल मचा दिया first ही round में। See guys on the other side, it's a kids drawing competition on the theme of national flag, भारतीय तिरंगा के ऊपर drawing competition चल रही है यहाँ पे। So spoon and marble race के लिए महिलाएं ready हो रहे हैं अभी, और कोई नहीं है, ladies, all the ladies, सभी ladies आ जाओ इस game के लिए, spoon and marble race। आप अपना अपना मुंह पे स्पून ले लो, और मार्बल दिया गया है, मार्बल नीचे ध्यान रखना, मार्बल नीचे गिरनी नहीं चाहिए, ओके, ऑलराइट, मार्बल नीचे गिरनी नहीं चाहिए, बिना मार्बल फ्लोर पे गिरे आपको इस लाइन से उस लाइन तक जाना पड़ेगा, जो फर्स्ट में पहुंचेगा वो ही शी विल बी द विनर। ऑलराइट, कमान कमान कमान, मार्बल नीचे गिरनी नहीं चाहिए, जो फर्स्ट में पहुंचेगा शी विल बी द विनर। मैम आप तो रुकी गए, जाइए जाइए जाइए, गिर गया, ओह माय गॉड, वेल ट्राइड, नाइस प्लेड, सुपर्ब। मैम का मार्बल पीछे ही रह गया क्या, भारत भर कविता चल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सीतरंग गंगा उच्चल जल सीतरंगा।
पोड़ लेके जोर से मारना है। हाँ, जोर से मारना, बकेट टूटनी चाहिए। खर्चा का चिंता बिल्कुल भी ना करो, वी कैन अफोर्ड दिस। ऑलराइट, जो है ना वो सीधा लेके जाओ, इधर उधर फिशिंग मत करो, यहाँ पे फिशिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है, ठीक है? फिशिंग मत करो, सीधा जाओ, एकदम वहां पे जाके लपेट लो बकेट को। खर्चा का चिंता कतई ना करो, हमारे पास बहुत पैसे हैं, इनफैक्ट वी कैन अफोर्ड। ओहो मैम, यू डिड इट। सो गाइस, दिस इज टाइम फॉर द बिहू डांस कंपटीशन। यू ऑल कैन सी द ब्यूटीफुल लेडीज आर परफॉर्मिंग बिहाइंड मी। सुधाकर जी, भराली जी, पीसी राभा जी एंड ऑल माय डियर कलीग्स, महिला सृष्टि समाज की वाइस प्रेसिडेंट एंड बाकी सभी मेंबर्स और बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने सुरक्षा कर्मी यहाँ हैं, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं इस 74th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई देता हूँ। सो गाइस, परफॉर्मेंसेस के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर दी लंच। इवेंट ख़त्म ही हो गया एंड एप्रिसिएशन के तौर पे मुझे ये मिला, दिया है सर ने, तो चलो कोई ना, इवेंट इज डन सक्सेसफुली। नाउ लंच करेंगे, बनते रहो। तो गाइस, आज सरस्वती पूजा है, तो ये सरस्वती पूजा का प्रसाद देख सकते हो। तो आज सरस्वती पूजा और 26 जनवरी एक ही दिन पे है, तो आज वेज है सब भाई लोग। तो भाई लोग, इवेंट तो ख़त्म हो गया फॉर्मली, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वोट ऑफ थैंक्स भी डिलीवर कर दिया डीजीएम सर ने। तो नाउ वी विल हैव लंच, मैं लंच करूँगी अभी। लंच के बाद यार रात को 8:55 का मेरा ट्रेन है फ्रॉम नाहौल लोगुन टू गुवाहाटी, सुबह 5 बजे पहुँचूँगी। तो चलो और बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ आप सबको, बनते रहो वीडियो पे। घर का प्लेट देख रहे हो, मैं प्लेटर देखो, यहाँ पे चावल, दाल, दो पापड़, ये दो वेज, ये सब सलाद वगैरह। यार भूख कर, पूरी भूख लग रही है मुझे, मैं भी खाना खाऊँगी यार, भूख का बात नहीं है, टाइम ज़्यादा हो गया। ऊपर से आज सरस्वती पूजा है ना, सो नो नॉन वेज, ऑल वेज, यू कैन सी। तो गाइस, मेरा लंच हो गया है, तो अभी मैं सर के क्वार्टर में आई हूँ। तो एक चीज़ अभी आपको बताती हूँ, मेरी सबसे फेवरेट एक फ्रूट बेर, बेरी, जिसको असम में बोगोड़ी कहा जाता है। बेर देख सकते हो पीछे, इतना सारा है ना, मुझे देखते ही मतलब खाने का मन कर। देख सकते हो यार, नीचे से है ऊपर तो एकदम पूरा, एकदम खाने के लायक है ये। तो मैं अभी तोड़ूंगी इसको, यार खाने का इतना मन कर रहा है ना, अभी कोई है ही नहीं साथ में, तो घर लेके जाऊंगी, घर पे जाके खाऊंगी। तो गाइस, ये देख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा पका हुआ नहीं है, थोड़ा मतलब पकने को अभी बाकी है, लेकिन यार खा के देखियो, थोड़ा खट्टा खट्टा मीठा मीठा जैसा लग रहा है, काफ़ी टेस्टी है, खाने के लायक तो हो चुका है ये। शाम हो गई गाइस एंड दिस इज 7 o'clock इन निर्जुली, देख सकते हो नज़ारा। मैं नीचे तक गई थी यार पैदल, तो थोड़ा थकान हो रही है यार, थोड़ा ऊंचाई है यहाँ पे। ओपी जगह है यार, बहुत ज़्यादा अच्छी है, सर्दी भी काफ़ी लग रही है, पहाड़ी इलाका है। सो गाइस, फाइनली ट्रेन पे बैठ चुके हूँ अभी, तो बीच में थोड़ा स्किप किया गया है, मैं बहुत बिजी थी उस टाइम, डीजीएम सर के साथ थोड़ा बात कर रही थी, सो इसीलिए कैप्चर नहीं कर पाई। और अभी ट्रेन पे हूँ डोनीपोलो एक्सप्रेस टू टायर में, तो सुबह अराउंड 4:25 को अराइवल है मेरा, 5 तो बज ही जाएगा स्टेशन से निकलते निकलते।
चलो मिलते हैं।